हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जलवायु विज्ञान। इसमें हम क्लाइमेट के विषय में डिस्कशन करेंगे और ये एक बड़ा टॉपिक है, प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम दोनों के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जलवायु विज्ञान को हम अलग से एक प्लेलिस्ट में पूरा डिस्कशन शुरू करेंगे। इसमें वर्ल्ड की जलवायु और इंडिया का जो मानसून है इसको पूरा एक कंप्लीट अध्ययन करेंगे। इसको पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक पूरा कंटिन्यू इसको डिस्कशन करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि क्लाइमेटोलॉजी पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए तो इसको फिर क्रम से आपको पढ़ना होगा। पहले चैप्टर से क्रमानुसार चैप्टर्स का एक इसमें क्रम होता है। अगर आप बीच के स्किप करेंगे या वीडियो को कम्प्लीट नहीं देखेंगे तो क्लाइमेटोलॉजी आपके समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये विज्ञान से बहुत ही ज़्यादा निकट पार्ट है। इसीलिए इसको जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी कहा गया है। अब यहाँ पर जो शब्द हैं क्लाइमेट या जलवायु, सबसे पहले हम उसको आज समझेंगे, इसका परिचय लेंगे और इसी क्लास में हम ये डिसाइड करेंगे कि जलवायु विज्ञान को हमको किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन से आयामों से पढ़ना है और उसका पूरा एक रणनीति क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम जलवायु पर बात कर लेते हैं कि जलवायु क्या है। जलवायु क्लाइमेट, देखिए तीन शब्द आप सुनते हैं। एक शब्द आप सुनते हैं मौसम यानी वेदर, और एक आप सुनते हैं ऋतु यानी सीजन, और एक शब्द जो हम आज डिस्कस करेंगे जलवायु यानी क्लाइमेट। तीनों ही चीजें एक चीज़ से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन तीनों में बेसिक अंतर है। इस अंतर को हम समझेंगे और फिर हम देखेंगे कि आखिर जलवायु क्या है और किस प्रकार से इसे हमें पढ़ना होगा। देखिए, जो मौसम की बात करेंगे, सबसे पहले हमारा जो वायुमंडल होता है, वायुमंडल की कुछ दशाएं होती हैं, उन्हीं दशाओं में परिवर्तन होता है, उन्हीं दशाओं में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से परिवर्तन होता है, सब इसी चीज़ का पूरा खेल है। देखिए, जो हमारा वायुमंडल है, इस चीज़ को समझेंगे तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल को समझाने की ज़रूरत आपको नहीं है। वायुमंडल क्या है, वायुमंडल की कुछ दशाएँ होती हैं, वायुमंडल की दशाएँ कंडीशंस, वो दशाएं कौन कौन सी चीज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ वायुमंडल की दशाओं में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, वायुमंडल का एक तापमान होता है, वायुमंडल का क्या होता है, तापमान। अगर सोलर रेडिएशन पृथ्वी पर आ रहा है तो वायुमंडल का तापमान डिफरेंट स्थानों पर डिफरेंट होगा। इसको आगे हम सीखेंगे किस प्रकार से अलग अलग जगहों पर अलग अलग तापमान होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। और तापमान जो होता है वो एयर प्रेशर को डिसाइड करता है। अगर किसी जगह पर तापमान घट जाएगा या बढ़ जाएगा तो वहाँ पर वायु की जो प्रेशर है, उसका जो दबाव है, वो भी परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्थान पर अगर हम ताप बढ़ा दें तो वहाँ की वायु गर्म होकर के फैलेगी और वो ऊपर चली जाएगी, जिससे वहाँ पर जो हवा का दबाव है वो कम हो जाएगा। तो अगर ताप में परिवर्तन होता है तो फिर वायु दाब यानी तापमान और दाब, टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर दाब में अंतर आएगा, अगर दो स्थानों के प्रेशर में अंतर आ जाए, एक जगह पर हाई प्रेशर हो जाए, एक जगह पर लो प्रेशर हो जाए, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में वायु का मूवमेंट शुरू हो जाएगा क्षैतिज। तो ये जो बहती हुई हवा है उसको पवन कहते हैं, विंड कहते हैं। तो पवन चलने लगेगी, पवन यानी विंड। और इस ताप, दाब और पवन, इनकी स्थितियों की वजह से हवा में जो नमी की मात्रा है उसमें भी परिवर्तन होता है। कभी नमी की मात्रा बढ़ जाएगी, कभी नमी की मात्रा घट जाएगी। अलग अलग स्थानों पर नमी की मात्रा अलग अलग हो सकती है, यानी कि वायुमंडल की दशा का जो एक और फैक्टर है वो है आर्द्रता, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी।
अब ह्यूमिडिटी में अगर परिवर्तन होगा यानी हवा के अंदर अगर पानी की मात्रा घटेगी बढ़ेगी तो उसमें फिर आगे संघनन इत्यादि की क्रियाएं भी होंगी, बादल बनेंगे और वर्षण होगा। यानी अगली जो कंडीशन हो सकती है वो वर्षण होगी यानी प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे रेनफॉल हम नहीं लिखेंगे, प्रेसिपिटेशन लिखेंगे, यानी कि रेनफॉल प्रेसिपिटेशन का ही एक रूप है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो प्रेसिपिटेशन होता है वो कई प्रकार से होता है। जैसे कि अगर लिक्विड रूप में होता है तो उसको हम कहते हैं रेनफॉल हो रहा है, पानी बरस रहा है। गैसियस रूप में होता है, जैसे आप धुंध कुहासा वगैरह देखते हो, और कभी कभी वो ठोस रूप में होता है, पत्थर बरसते हैं यानी ओले पड़ते हैं। तो इस प्रकार से ताप, दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण, ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सभी चीज़ें वायुमंडल की दशाएं हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि हर एक स्थान पर तापमान अलग अलग होता है, तो वहाँ पर प्रेशर भी अलग अलग हो सकता है। वहाँ पे पवनें अलग प्रकार की हो जाएंगी, हवा में नमी की मात्रा भी अलग अलग हो सकती है, तो वहाँ पर वर्षण की स्थितियाँ भी हर एक स्थान पर डिफरेंट होंगी। तो ये हैं वायुमंडल की दशाएँ। हो सकता है कि आपके दिल्ली शहर में इन दशाओं की जो वैल्यू है वो अलग हो, दूसरे किसी शहर में जाओगे मुंबई में तो यहाँ पर इन वैल्यूज में परिवर्तन हो जाएगा। अगर आप और दूर चले जाओगे, किसी विदेश में चले जाओगे, जैसे कि आप ब्रिटेन में पहुँच गए या यूएसए में पहुँच गए, तो इन सभी कंडीशंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वहाँ टेम्परेचर, प्रेशर, पवन, ह्यूमिडिटी, हर एक चीज़ में परिवर्तन आएगा। वो निर्भर करता है कि आप कहाँ पर पृथ्वी पर हैं। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर हर एक स्थान पर इन ताप, दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण में अंतर होता है, और ये तीन रूपों में हमको देखना है। यही जो तीन फैक्टर हमने बताए हैं, मौसम, ऋतु और सीजन, क्लाइमेट, इसको समझते हैं। तो इसमें इन चीज़ों का अगर डे टू डे परिवर्तन हम देखें, यानी कि छोटे समय के लिए, जैसे कि आज का दिन है तो हम कहते हैं कि आज का मौसम बहुत गर्म है, यानी कि मौसम जो है वो इन्हीं चीज़ों की बात करता है। हो सकता है कि आप कहें कि आज मौसम बहुत जो है गर्म है या ठंडा है, यानी टेम्परेचर की बात आप कर रहे हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आज बहुत लू चल रही है या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, यानी पवन की बात आप कर रहे हैं। हो सकता है कि आज कहें कि आप फुहारे पड़ रही हैं, आज बारिश का मौसम है, तो वर्षण की बात कर रहे हैं, प्रेशर भी उसी में आता है। तो इन चीज़ों का परिवर्तन अगर शॉर्ट टर्म के लिए है, कम समय के लिए है, तो उसको मौसम कहते हैं, यानी कि वायुमंडल की दशाओं में परिवर्तन। अब पहला पार्ट आया वायुमंडलीय दशाओं में, जो एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस हैं वायुमंडलीय दशाओं में परिवर्तन। अब परिवर्तन तीन प्रकार से हो सकता है, परिवर्तन जो है वो तीन प्रकार का हो सकता है, बस इसी से तीनों परिभाषाएं आपकी आ जाती हैं। यानी इन चीज़ों में परिवर्तन अगर अल्पकालिक है, अल्पकालिक डे टू डे या शॉर्ट टर्म, तो उसको कहते हैं मौसम। जैसे कि आप कहते हैं कि जुलाई का मौसम बहुत अच्छा, यानी सिर्फ एक महीने की बात आप कर रहे हो, या इस हफ्ते का मौसम बहुत गर्म रहा। आप ये नहीं कहोगे कि इस हफ्ते की जलवायु बहुत गर्म रही, जलवायु दूसरी चीज़ हो जाएगी। मौसम का मतलब है इन्हीं फैक्टर्स की बात आप कर रहे हैं, लेकिन छोटे समय के लिए। सुबह मौसम बहुत ठंडा था, शाम को मौसम बहुत गर्म हो गया, कल मौसम अच्छा था, आज मौसम बहुत ख़राब हो गया, तो एक दो दिन की, एक दो हफ्तों की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा एक महीने की बात हो रही है। तो अल्पकालिक समय के लिए जब वायुमंडल की दशाओं में परिवर्तन होता है तो हम उसको कहते हैं मौसम, यानी वेदर। अगर कुछ समय उपरांत चक्रीय रूप से इन दशाओं में परिवर्तन हो, जैसे कि तीन महीने तक बहुत टेम्परेचर रहा, उसके बाद तीन महीने बाद या छः महीने बाद, यानी एक निश्चित पीरियड के लिए एक प्रकार की मौसमी दशाएं रही, उदाहरण के लिए वर्षा हो रही थी, चार महीने तक खूब वर्षा हुई, तो आपने कहा कि इस समय वायुमंडल की दशाएं क्या हैं, वर्षण कर रही हैं, यानी बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है,
बारिश का मौसम चल रहा है, उसके बाद में वर्षा बंद हो गई, तापमान बढ़ने लगा यानी कि गर्म मौसम होने लगा, फिर चक्रीय रूप से चक्र चलते चलते एक बार फिर वर्षा पे आया, फिर गर्मी हुई, फिर ठंडक आई, फिर वर्षा हुई। इस तरह से क्या होता है, अगर एक समय अवधि के बाद में मौसम की दशाएं चक्रीय रूप से परिवर्तित होने लगें तब उसको कहते हैं ऋतु, सीजन। जैसे कि आज बहुत गर्मी है तो आप ये नहीं कहोगे कि आज गर्मी की ऋतु आ गई, क्योंकि कल ठंडा हो सकता है मौसम, कल की अपेक्षा आज गर्म हो सकता है, तो इससे ऋतु नहीं, इसको मौसम कहेंगे। और जब चक्रीय रूप से यही मौसमी दशाएं बदल के आने लगती हैं एक टाइम पीरियड के बाद में पुनः और बदलती रहती हैं तब उसको कहते हैं ऋतु। तो दूसरा क्या हो गया, इन्हीं वायुमंडलीय दशाओं में चक्रीय परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन, तब इसको कहते हैं ऋतु, यानी कि गर्मी की ऋतु है। इसका मतलब है कि गर्मी की ऋतु के बाद कोई दूसरी ऋतु आएगी, जैसे शीत ऋतु आएगी या बारिश की ऋतु आएगी, और उसके बाद घूम करके फिर वही ऋतु आएगी। तो चक्रीय रूप से अगर मौसमी दशाओं में परिवर्तन होता है एक समयावधि के बाद में तो उसको कहते हैं ऋतु यानी सीजन। अब जलवायु क्या है, जलवायु एक दीर्घकालिक समय में जैसे कि 30 साल 32 साल का एवरेज किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में एक लंबे समय से जो मौसम की दशाएं हैं उसका एवरेज औसत। जैसे कि हम अगर कहें कि भारत में क्या होता है, भारत में कभी जाड़ा पड़ने लगता है, साल में एक बार जाड़ा पड़ता है, साल में एक बार बारिश होती है दो तीन चार महीने के लिए, साल में गर्मी भी बहुत होती है, लेकिन भारत की जलवायु को क्या कहेंगे, क्या गर्म जलवायु कहेंगे या ठंडी जलवायु कहेंगे या क्या कहेंगे, बारिश वाली जलवायु कहेंगे। चूँकि ये 30-32 साल का एवरेज आपको निकालना है तो एवरेज रूप से औसत रूप से इसमें से क्या निकलेगा उसे कहेंगे उस क्षेत्र की जलवायु, यानी एक भौगोलिक क्षेत्र का एक लंबे पीरियड में मौसमी दशाओं का यानी इन जो वायुमंडल की दशाओं का औसत होता है, एवरेज होता है, उसको उस क्षेत्र की जलवायु कहा जाता है। भले ही भारत में हर साल ठंडक पड़ती है लेकिन भारत की जलवायु शीत नहीं है। हाँ, ये लंबे पीरियड यानी 10 महीने अगर ठंडक पड़ती हर साल तो फिर जब हम 30 साल का एवरेज निकालते तो उसमें ठंडक ज़्यादा निकलती, तब हम कहते भारत की जलवायु ठंडी है। लेकिन भारत की जलवायु दूसरे प्रकार की है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक लंबे पीरियड में जब हम वायुमंडलीय दशाओं का एवरेज निकालते हैं कि आखिर यहाँ पर किस प्रकार का मौसम है एक लंबे समय के लिए, तब हम उसे कहते हैं जलवायु, यानी कि वायुमंडलीय दशाओं में जो परिवर्तन होता है उसका एक दीर्घकालिक औसत। तो इसको क्या लिखेंगे, दीर्घकालिक, दीर्घकालिक मौसमी दशाओं का औसत। औसत निकालिए कि मौसम कैसा रहा लगभग 30 से 32 वर्ष, लगभग 30 से 32 वर्ष का कम से कम आप एवरेज निकालें और तब जो एवरेज निकल के आए उसे कहेंगे कि उस क्षेत्र की जलवायु है यानी क्लाइमेट है। अब तीनों चीज़ों को आप शॉर्ट में एक साथ समझ लें और इसमें अंतर क्या है। दशाएं तो यही रहेंगी, वायुमंडलीय दशाओं का एक अल्पकालिक परिवर्तन मौसम कहलाता है, एक चक्रीय एक निश्चित समय बाद चक्र चलने लगे कि गर्मी, गर्मी के बाद ठंडक, ठंडक के बाद कुछ और, तो उस तरह से अगर चक्रीय रूप में मौसमी दशाओं का बार बार वही परिवर्तन आता है घूम करके तो उसे ऋतु कहते हैं, ऋतु परिवर्तन कहते हैं। और इन्हीं दशाओं का एक लंबे समय का एवरेज निकालते हैं कि आखिर यहाँ की जो यहाँ का मौसम कैसा है, बात मौसम की ही हो रही है लेकिन ये बहुत लंबे समय तक का एवरेज। उदाहरण के लिए अगर किसी एक देश की बात कर लें तो वहाँ पर गर्मी भी होती है, वहाँ पे ठंडक भी होती है, दोनों चीज़ें अगर वहाँ पर रहती हैं, लेकिन आप जब गर्मी आता है तो कहते हैं गर्मी का मौसम है, जब ठंडक आता है तो आप कहते हैं ठंडक का मौसम है, लेकिन यहाँ की जलवायु क्या होगी, गर्म या ठंडी,
तो फिर हम 30 साल का एवरेज निकालेंगे, 30 साल में ठंडक ज़्यादा है या गर्मी ज़्यादा है, तो उससे पता चलेगा कि वहाँ की जलवायु एवरेज रूप से गर्म है या ठंडी है। तो जलवायु एक दीर्घकालिक मौसमी दशाएँ हैं और मौसम एक अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएँ हैं, और ये चक्रीय रूप से जो मौसम आता है उसे ऋतु कहा जाता है। तो आशा है आप वेदर, सीजन और क्लाइमेट को समझ गए होंगे। अब हमारा जो टॉपिक लिखा हुआ पर है क्लाइमेटोलॉजी, यानी जलवायु का अध्ययन। जलवायु का अध्ययन जो किया जाता है उसके अंतर्गत एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, उसी सिस्टमेटिक तरीके को हम डिस्कस करेंगे कि आखिर हमको इन चीज़ में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इसकी एक प्लेलिस्ट अलग से हमारे चैनल पे आपको मिलेगी, जिसमें पहले चैप्टर से लेकर के आखिरी चैप्टर तक क्रमानुसार आपको वीडियोज़ मिलेंगे, उसके ऊपर नंबर मिलेंगे आपको 1, 2, 3, 4 करके, और जिस क्रम में वीडियो को अरेंज किया जाएगा उसी क्रम में आप उसको पढ़ेंगे, उसको नोट्स बनाएंगे, क्योंकि वो उसी क्रम से उसकी एक साइंस है पढ़ने की, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए जलवायु विज्ञान के कोर्स पर बात करते हैं कि आखिर हमें कैसे पढ़ना है। देखिए, जितना भी हमने बताया है वो कैसे होता है इसको पहले समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि हमको कैसे पढ़ना है। पृथ्वी पर सृष्टि का संचालन जो है वो सन करता है, सन। सूरज से ही जलवायु डिसाइड होती है। इसको आप धीरे धीरे जब जलवायु पढ़ेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे कि इस जलवायु के पीछे का जो मुख्य कारक है वो सूर्य है। सूर्य से जो सूर्य तप यानी इंसुलेशन हमें प्राप्त होता है, वही पृथ्वी पर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सब के पीछे कारक वही है। तो सबसे पहले, चूँकि ये घटनाएँ वायुमंडल में होती हैं, जलवायु की जितनी भी घटनाएँ हैं ये वायुमंडल में होती हैं, तो इसका मतलब है कि हमको सबसे पहले वायुमंडल को समझ लेना चाहिए। तो जो पहला चैप्टर है वो है वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल का संगठन। देखिए, सबसे पहले हमको कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ना होगा कि वायुमंडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तभी हम जलवायु को समझेंगे। और उसके बाद संगठन के साथ साथ हमको इसकी संरचना भी पढ़नी होगी, संगठन और संरचना। इन दोनों ही टॉपिक पे क्लास हमने पीछे आपको पढ़ाई हुई है, उनको प्लेलिस्ट में मैं अरेंज कर दूंगा। ये चैप्टर आपको वहीं से पढ़ना है। वायुमंडल का संगठन पढ़ाया हुआ है, आप देख लीजिएगा, और संरचना, इसको भी आपको पढ़ना है। दूसरा चीज़ देखिए, अब यहाँ से हम डिस्कशन शुरू करेंगे। जो सन है वो सन से रेडिएशन के रूप में एनर्जी निकलती है, जिसको कहते हैं सूर्य तप। सूर्य तप यानी इंसुलेशन, इंसुलेशन। इंसुलेशन ही पृथ्वी पर आता है और यही आगे की मौसम या जलवायु को डिसाइड करता है। तो हमें पढ़ना होगा सूर्य तप, सूर्य तप यानी इंसुलेशन। सूर्य तप अगर पृथ्वी पे आएगा, यहां पे पृथ्वी है, पृथ्वी को गर्म करेगा, सूर्य तप आएगा, इसमें बहुत सी बीच में बाधाएं आएंगी, उन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे हम। पृथ्वी पर आएगा तो पृथ्वी को गर्म करेगा, और फिर पृथ्वी भी अपने अंदर से रेडिएशन छोड़ेगी और ठंडी होगी, यानी कि सूर्य से जितनी भी एनर्जी पृथ्वी को मिलेगी पृथ्वी भी उसे छोड़ देगी, यानी एक बजट है, एक संतुलन है। तो हमें सूर्य तप पढ़ना है, और सूर्य तप के साथ साथ में हमें पढ़ना है हीट बजट, यानी पृथ्वी का हीट बजट, ऊष्मा बजट, बजट पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में इस सब प्रक्रिया के दौरान, यानी जो सूरज से पृथ्वी तक आती है हीट या एनर्जी, और पृथ्वी जो एनर्जी बाद में इमिट करती है, इसकी वजह से क्या होता है, वायुमंडल गर्म हो जाता है। पृथ्वी पर जब सूर्य की किरणें आती हैं तो वायुमंडल गर्म हो जाता है। दोनों तरीके से, पृथ्वी पर जब सूर्य की किरणें आती हैं, रेडिएशन आता है, तब भी कुछ मात्रा में वायुमंडल गर्म हो जाता है, और उसके बाद में पृथ्वी गर्म होती है, फिर ये दीर्घ तरंगों के रूप में जब रेडिएशन छोड़ती है तो उससे भी वायुमंडल गर्म होता है। वायुमंडल के गर्म होने से
आगे की प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं, यानी दबाव में परिवर्तन होने लगता है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि सूर्य तप आया, पृथ्वी का उसमें बजट हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे तापमान, तापमान और वायुमंडल का गर्म होना, वायुमंडल का गर्म होना। कैसे कैसे वायुमंडल जो है गर्म हो जाता है। अब अगर वायुमंडल गर्म होगा यानी टेम्परेचर में परिवर्तन होगा तो फिर वायु के दाब में भी परिवर्तन होगा। जहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी, यहाँ पे देखें चित्र में समझें आप, अगर यहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो यहाँ पर हवा गर्म हो जाएगी और हवा ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर की तरफ जाएगी और बहुत ऊंचे जा नहीं सकती है तो फिर वो क्षोभ मंडल के पास से किसी तरफ मुड़ेगी और फिर वापस आएगी पृथ्वी पर ही, फिर पृथ्वी पर वापस आएगी। तो जहाँ से हवा उठेगी वहाँ पर चूँकि ताप बढ़ रहा है, हवा गर्म होकर के ऊपर जा रही है, तो वहाँ का दाब जो है प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर लो प्रेशर आ जाएगा और यहाँ पर जहाँ एयर उतरेगी जाके वहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा। यानी कि ताप घटने और बढ़ने की वजह से वायु दाब में भी परिवर्तन होगा। तो तापमान और वायुमंडल का गर्म होना, उसके बाद हमको पढ़ना पड़ेगा वायु दाब, यानी कि वायु का दाब का कॉन्सेप्ट क्या है एवं वायु दाब पेटियाँ, वायु दाब पेटियाँ, वायु दाब की पेटियाँ डेवलप होंगी, यानी कुछ क्षेत्रों में वायु दाब अधिक होगा, कुछ क्षेत्रों में वायु दाब कम हो जाएगा। अगर वायु दाब में परिवर्तन होगा तो फिर प्रेशर ग्रेडियंट बनेगा, यानी कि अगर एक जगह पर हाई प्रेशर होगा और एक जगह पर लो प्रेशर होगा तो जहाँ पर हाई प्रेशर है वहाँ से हवा का मूवमेंट लो प्रेशर की तरफ होने लगेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है संतुलन बनाए रखना। तो हाई प्रेशर वाले स्थान से हवा का मूवमेंट लो प्रेशर जहाँ पे स्थान खाली है उधर होने लगेगा, यानी कि इसका मतलब है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में प्रेशर ग्रेडियंट का यानी कि दाब प्रवणता का जनन होगा और उसकी वजह से पवन यानी विंड का संचार होने लगेगा, विंड बनेगी। तो देखिए वायु दाब और वायु दाब की पेटियाँ, इसको पढ़ने के बाद में हमको पढ़ना पड़ेगा कि हवा का सर्कुलेशन कैसे होता है, यानी कि वायु का परिसंचरण, वायु का परिसंचरण, वायु का परिसंचरण, यानी कि हमको पढ़ना होगा पवने विंड्स, किस प्रकार से हवा चलने लगती है और वायु का परिसंचरण होने लगता है। यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव होने लगेगी। तो ये है आपका एक 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 संचरण होने लगेगा वायु का। कई प्रकार की पवने हैं, उन पे हम बात करेंगे। अब देखिए अगर किसी भी स्थान पर हीट बढ़ेगी तो वहाँ पर जल का वाष्पीकरण भी होगा, यानी कि जहाँ पर सूर्य ताप अधिक मिल रहा है वहाँ से वायु में नमी की मात्रा भी बढ़ेगी, वायु में नमी की मात्रा बढ़ेगी और चूँकि हवा ऊपर जाएगी तो उस नमी को ऊपर लेकर के जाएगी। और हम तापमान वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ऊपर जाने पर तापमान कम पड़ता है तो फिर ऊपर जाने पर वो हवा ठंडी होने लगेगी। अगर ठंडी होगी तो उसके अंदर जो जल वाष्प जा रही है वो फिर यहाँ पर बादलों का निर्माण करेगी और बादल वहाँ पर संघनन होगा, जब ताप और कम होगा संघनन होगा और उसकी वजह से वर्षण होने लगेगा, ओले पड़ेंगे, कुहासा बनेगा, यानी कि वर्षण आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वायु का परिसंचरण होगा, यानी वायु चलेगी, ऊर्ध्वाधर भी चलेगी, क्षैतिज भी चलेगी, उसको अलग अलग नामों से हम पढ़ेंगे, जैसे कि पवने पढ़ेंगे उसी प्रकार से हम जेट स्ट्रीम भी पढ़ेंगे। जेट स्ट्रीम कहाँ है, देखिए पवन यहाँ धरातल के निकट चल रही है और ये जो क्षैतिज रूप से हवा चल रही है इसको कहते हैं जेट, जेट धारा। तो यहाँ पे जेट स्ट्रीम को हम पढ़ेंगे। जेट स्ट्रीम को पढ़ने के बाद में आप पढ़ेंगे कि नमी क्या है, क्योंकि अब यहाँ पर बात आ गई कि इस हवा में नमी भी होगी, क्योंकि गर्म होगी हवा तो अपने साथ पानी को लेकर के जाएगी वो वाष्पीकरण करके। तो फिर आपको पढ़ना होगा कि यहाँ पर आर्द्रता क्या है, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के बाद में आपको पता है कि अगर आर्द्र वायु यानी नम वायु
ऊपर जाएगी तो ऊपर जाने पर ताप कम पड़ेगा तो बादलों का निर्माण होगा, ताप और कम पड़ेगा तो फिर वो बादल जम करके फिर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव की वजह से वो पानी नीचे आने लगेगा यानी वर्षण होगा। तो आर्द्रता पढ़ेंगे, इसके बाद में आपको पढ़ना होगा बादल यानी क्लाउड्स, क्लाउड्स, और फिर हम पढ़ेंगे वर्षण। वर्षण कई प्रकार का होता है यानी प्रेसिपिटेशन, कई प्रकार से वर्षण होगा। ठोस रूप में होगा, आपने देखा होगा कभी ओले पड़ने लगते हैं, पत्थर पड़ने लगते हैं ठोस रूप में, कभी आप गैसियस रूप में देखोगे जैसे कुहासा छा गया, धुंध आप देखते हैं, पाला पड़ रहा है, और लिक्विड रूप में भी देखोगे, तरल रूप में देखोगे जैसे बारिश हो रही है, धुआंधार बारिश हो रही है, तो आप वर्षण को भी पढ़ोगे। वर्षण पढ़ने के बाद में आप देख रहे हो यहाँ पर एक हवा की एक बहुत बड़े एरिया में वायु की राशि बन जाती है। ये एक जो लंबे एरिया में एक वायु होती है जिसका मौसमी दशाएं एक प्रकार की होती हैं, यानी कि वो या तो गर्म है या तो ठंडी है, यानी कि उसमें ताप दाब इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं वो एक जैसी होती हैं। तो एक एरिया में एक बड़े क्षेत्र में एक वायु जिसकी मौसमी दशाएं या वायुमंडलीय दशाएं एक प्रकार की होती हैं उसको एक वायु राशि कहा जाता है, यानी वायु राशियां आप पढ़ोगे इसके बाद में। वायु राशियां क्या होती हैं, वायु राशियां इससे रिलेटेड हमारे कौन कौन से मौसम हैं, किस प्रकार से इसको हम पढ़ेंगे, वायु राशियां पढ़ोगे, फिर आप देखोगे कि वाताग्र जनन होता है। वाताग्र यानी कि एक प्रकार की वायु का जो अग्र भाग होता है, फ्रंट होता है, वो बनेगा, यानी वाताग्र जनन आप पढ़ोगे। जैसे कि एक ठंडी हवा है, एक गर्म हवा है, इनके आगे फ्रंट जो होते हैं टकराते हैं, किस प्रकार से मौसमों में परिवर्तन होता है, तो आप वाताग्र जनन पढ़ोगे। इसके बाद में आप देखोगे कि चक्रवात का निर्माण होगा। चक्रवात का निर्माण जब आप देखोगे कि हवा एक स्थान से उठेगी, दूसरे स्थान पर जा कर के उतरेगी, कहीं आप देखोगे कि इधर से भी हवा उठेगी और यहाँ आकर के उतरेगी, फिर इस तरह देखोगे कि किस प्रकार से कुछ ऐसी सिचुएशंस बनेंगी पृथ्वी पर कई स्थानों पर, कुछ अक्षांशों पर, कि वहाँ पर साइक्लोन का निर्माण हो जाएगा। तो आपको साइक्लोन पढ़ना है आपके सिलेबस में, तो आप देखोगे कि चक्रवात बनने लगेंगे इन्हीं की वजह से। वायु राशियाँ और जो ये त्रिकोशीय संरचना, ये जो संचरण होने लगेगा इस प्रकार से, कोष बना करके तीन बन जाते हैं जिससे एक संचरण होने लगेगा वायु का, उसकी वजह से आप वायु राशियां योम आप देखोगे एक त्रिकोशीय, त्रिकोशीय संचरण इसको डिस्कस करेंगे। और फिर आप देखोगे वाताग्र जनन, चक्रवात, और चक्रवात अगर है तो फिर प्रतिचक्रवात भी आपको पढ़ना होगा। प्रतिचक्रवात यानी साइक्लोन और एंटी साइक्लोन, इसको हम डिस्कस करेंगे। अब अगर इतनी चीज को हमने डिस्कस कर लिया है तो यहाँ पर एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि पृथ्वी पर वायुमंडल की दशाएं एक जैसी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर सूरज से स्टार्ट किया था, सूरज की गर्मी की वजह से ही ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई। तो हर एक जगह पर सूर्य की जो हीट है, जो इंसुलेशन है, वो बराबर नहीं है, यानी कि मौसम की दशाएं हर एक स्थान पर एक जैसी नहीं हो सकती हैं। तो अगर मौसम की दशाएं एक जैसी नहीं हो सकती हैं तो फिर दीर्घकालिक रूप में उनका औसत भी एक जैसा नहीं हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि धरती पर कई प्रकार की अलग अलग स्थानों पर जलवायु पाई जाएंगी। तो फिर इसका मतलब है कि आपको जलवायु का वर्गीकरण भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगला जो हमारा चैप्टर होगा, इसको हम मिटा देते हैं, वो होगा जलवायु का वर्गीकरण। पूरे विश्व में जलवायु का वर्गीकरण क्या होगा? अगर जलवायु का वर्गीकरण होगा तो फिर पूरे के पूरे जो वर्ल्ड है उस पे जलवायु प्रदेश बनेंगे। जलवायु प्रदेश यानी एक जैसे जलवायु वाले क्षेत्र, तो ये आपका टॉपिक होगा जलवायु का वर्गीकरण और जलवायु प्रदेश। अब देखिए, इतने से आपने पूरा जलवायु को समझ लिया है, तो जलवायु में क्या परिवर्तन नहीं होगा? यानी कि कुछ ऐसी कंडीशंस आज वर्तमान में विश्व में बनती जा रही हैं जिसकी वजह से जो नेचुरल क्लाइमेट है उसमें परिवर्तन हो रहा है। यानी कि हमको लगता है कि यहाँ पर
ठंडी जलवायु है या गर्म जलवायु है या किस प्रकार की जलवायु है, प्राकृतिक रूप से ऐसी होनी चाहिए लेकिन मानवीय क्रियाओं की वजह से जलवायु में कुछ परिवर्तन होता जा रहा है। यानी कि अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन वो कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे जलवायु परिवर्तित हो रही है। अब आते हैं हम भारत में, जो कि विश्व की जलवायु पूरा डिस्कस करने के बाद में ये सभी चीज़ें समझ लेने के बाद में आपको पढ़ना है कि इसको भारत पे अप्लाई करना है। तो हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु। भारत की जलवायु और भारत की जलवायु के अंतर्गत हम बहुत सी बातों पर डिस्कशन करेंगे, जैसे कि भारत की जो मानसून कंडीशंस हैं, मानसून कैसे उत्पन्न होता है, उसके क्या सिद्धांत हैं। यानी कि हम पढ़ेंगे मानसून की उत्पत्ति एवं क्रियाविधि मैकेनिज्म, मानसून कैसे बनता है और उसकी मैकेनिज्म क्या है, किस प्रकार से वो कार्य करता है, इस पे हम बात करेंगे। क्योंकि भारत की जलवायु पढ़ना है तो आपको मानसून पढ़ना पड़ेगा। फिर हम भारत की जलवायु की विशेषताएं भी पढ़ेंगे, क्योंकि भारत की जलवायु की कुछ अलग विशेषताएं हैं जो विश्व में अनोखी हैं। तो हम भारत की जलवायु की विशेषताएं पढ़ेंगे। भारत की जलवायु की विशेषताएं एवं प्रभावित करने वाले कारक, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसे प्रभावित करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक, इस पे बात करेंगे। और फिर हम देखेंगे भारत की ऋतुएं। भारत की ऋतुएं एवं वर्षा, और इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इन सब चीज़ों का पढ़ने का मतलब क्या है, यानी अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी क्या है, व्यवहारिक जलवायु विज्ञान, व्यवहार में इसे कैसे हम पढ़ेंगे, व्यवहारिक जलवायु विज्ञान, उपयोग क्या है इसका, इतना सब मेहनत करने का हमारे जीवन पे, जनजीवन पे क्या इसके प्रभाव हैं, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। और फिर हम चैप्टर यहाँ पे लिख लेते हैं अन्य, अगर इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें और बच रही हैं जलवायु में जो अभी नहीं आ रही दिमाग में, उन सबको भी हम इसी में शामिल करेंगे। तो इस प्रकार से हम अगर बड़े रूप में देखें तो 20 टॉपिक्स हैं हमारे पास, ये 20 चैप्टर्स नहीं हैं, ये 20 बड़े टॉपिक्स हैं। जैसे कि जब आप पढ़ रहे होंगे कि वायुदाब योम, वायुदाब पेटियाँ, या फिर आप पवन पढ़ रहे होंगे, तो क्या पवन एक ही पवन नहीं है, पवन के तमाम प्रकार हैं, कि क्षेत्रीय पवने क्या हैं, मौसमी पवने क्या हैं, ये सभी प्रकार कई प्रकार से आपको पढ़ना होगा। तो ये 20 बड़े टॉपिक हैं, इनको हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे, पूरा डिटेल में करेंगे, नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो फ्रेंड्स अगली क्लास में हम शुरू करेंगे पहले एक चैप्टर से और फिर आगे उसको बराबर कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।